हाय दोस्तों, आज हम अपनी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए काले कच्छे वाले गैंग के बारे में जानेंगे। जी हाँ, 1980s 90s में काले कच्छे वालों का डर और आतंक बहुत फैल गया था। तो क्या ये इंडियन पिनल कोड में अपराध है? तो सुनिए कहानी। चार पांच बच्चे अगर पांच पांच के गैंग में रॉड, रस्सी, तलवार ऐसी तैयारी के साथ किसी के घर में अतिक्रमण करें या फिर दीवार फांद कर खिड़की के थ्रू, चिमनी के थ्रू या दरवाज़ा तोड़कर किसी के घर में घुसें और घुसते समय अपनी आइडेंटिटी को छिपाएं, ग्रीस लगा लें, काले कच्छे पहनकर पूरे शरीर में तेल लगा लें, तो फिर 10 साल तक का अपराध ये कर बैठते थे। 10 साल तक यानी कि ये मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की मर्जी पर है वो कितनी सज़ा दे। 10 साल तक मैक्सिमम इसमें सज़ा है, फाइन का कोई लिमिट नहीं। पर यह कॉग्निजेबल और नॉन अवेलेबल है यानी सीरियस ऑफेंस है और इसको नॉन कंपाउंडेबल रखा गया है। लेकिन ये चार पांच बच्चे, चार और पांच जोड़ो तो नौ बनता है। अगर इस तरीके से या तो ये अपनी आइडेंटिटी छुपाकर घरों में घुसे या फिर घरों में घुसने के लिए ये दरवाज़ा तोड़कर चिमनी के थ्रू या दीवार फांदकर इस तरह के मोडस ऑपरेंडी को फॉलो करें और फिर वहाँ केवल डराएं नहीं जैसा 455 में किया, बल्कि एक्चुअली में किसी का सर फोड़ दें, हाथ काट दें या जान से बिल्कुल मारने का प्रयास करें पर आदमी मरे नहीं, तो इसमें आजीवन कारावास तक की सज़ा है और 10 साल तक की सज़ा है और साथ में फाइन का प्रावधान है। ये लेकिन सेशन जज साहब ही कर सकते हैं, ये भी नॉन अवेलेबल है, कॉग्निजेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है।